एक नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। 28 सितंबर को कुल बाधितों की संख्या 9,812 पर पहुंची, जबकि कल तक यह संख्या 9,582 थी। 24 घंटे में कुल 230 बाधित सामने आए हैं, तो वहीं 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पहली मृत्यु लाखांदूर भंडारा में रहने वाले 46 वर्षीय महिला बाधित की हुई है। इस बाधित को 12 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दूसरी मृत्यु श्यामनगर चंद्रपुर में रहने वाली 60 वर्षीय महिला बाधित की हुई है। इस बाधित को 22 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तीसरी मृत्यु बनवाही नागभीड़ में रहने वाले 65 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 15 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। चौथी मृत्यु ब्रह्मपुरी में रहने वाले 70 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 22 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तो वही पांचवी मृत्यु चूना भट्टी राजूरा में रहने वाले 74 वर्षीय पुरुष बाधित की हुई है। इस बाधित को 25 सितंबर को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पिछले 24 घंटे में कोरोना के साथ सांस की बीमारी होने से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल चंद्रपुर में इन बाधितों की मृत्यु हुई है। बता दें कि उपचार ले रहे बाधितों की संख्या 3,974 है, तो वहीं अब तक 5,690 बाधित ठीक होकर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अब तक मृत्यु हुए बाधितों का आंकड़ा 148 पर पहुंचा है, जिसमें चंद्रपुर 139, तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, गढ़चिरौली 3, यवतमाल 3 और भंडारा 1 का समावेश है। इस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, तभी नागरिकों ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे आह्वान को प्रतिसाद दे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे।